वो होने ही वाला है। जो भी होगा वो होने ही वाला है। ड्यूक, हम एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं। तुम्हें पता होगा कि मैं यहां क्यों आया हूं। महाराज मंत्रियों को सजा दे रहे हैं और अब सजा पाने की बारी मेरी है। उस समय मैं महाराज के साथ मिलकर लड़ता था, पर अब महाराज मुझसे क्रूर व्यवहार कर रहे हैं। महाराज क्या चाहते हैं ये मैं कभी नहीं पूछता। सभी रॉयल गार्ड्स आदेश का पालन करते हैं। मैं यहां पर हूं, तुम मेरे पिताजी को कुछ नहीं कर सकते। जाओ, मेरे बेटे को मत मारो। तुम जो कहोगे वो मैं करूंगा। महाराज ने कहा है तुम्हारी मौत के बाद तुम्हें पुश्तैनी मंदिर में बहुत सम्मान मिलेगा। ली परिवार का नाम वंशानुगत है। ठीक है, चालाक खरगोश को मारने के बाद उबाला जाता है और काम खत्म होने के बाद सहयोगी को मारा जाता है। अब सारे रिश्ते नाते बर्बाद हो चुके हैं। कमांडर, मैं भीख मांगता हूं। तुम ये महाराज को देने में मेरी मदद करोगे? मैं ये उन्हें जरूर दूंगा। पिताजी, पिताजी, पिताजी। महामहिम, महामहिम, आपने चिट्ठी नहीं ली? तुम्हें लगता है महाराज उसे पढ़ेंगे भी? भाई, यहाँ क्या कर रहे हो?
मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। क्या हुआ? महाराज ने हमें बुलाया है। महाराज मुझे माफ कीजिए, मैं इन दिनों सर्दी खांसी से काफी जूझ रहा हूँ। आपको कष्ट देने के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। तुम जा सकते हो। जी। कोई बात नहीं, मैं अपने कान साफ करवा रहा था। तुम्हें लगता है तुम्हारी खांसी मुझे परेशान करेगी? तुम समझते हो मैं बूढ़ा हो गया? हाँ। मुझे माफ कर दीजिए। महाराज की जय हो, आप बहुत ज्यादा स्वस्थ हो और आप सम्राट हो। उसकी खांसी आपको कभी भी परेशान नहीं करेगी महाराज, लेकिन वो उस किन्नर को परेशान कर सकती है जिसने आपके कान भरे और आपको चोट पहुंचाई। युफांग, तुम्हें पता है कैसे बात करनी है। ये लेई तो बिल्कुल मूर्ख है। मुझे लगता है तुम्हें मुख्य सैनिक होना चाहिए। मेरी हिम्मत नहीं महाराज, बिल्कुल नहीं। मुख्य सैनिक अजय होता है और मैं। तुम्हारी हिम्मत नहीं तो इतनी बकवास क्यों करते हो? तुम जाकर वो ले आओ। जी। ये देखो। क्या? यहाँ एक बहुत ही शातिर चोर है जो कि बहुत ही तेज और हिम्मत वाला है। तुम लोग इस समय लापरवाह कैसे हो सकते हो जब हमने युवराज की घोषणा की है? बताओ मुझे। मैं सजा के लायक हूं महाराज, मुझे सजा दीजिए। नहीं महाराज, मुझे सजा दीजिए। मेरे साथ चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं वो शाही जेड़सेल ढूंढ कर ही रहूंगा, वरना मैं वापस नहीं आऊंगा। तुम लोग मेरे साथ बिल्कुल चालाकी मत करो, समझे? बिल्कुल नहीं महाराज। ताबूत समारोह होने जा रहा है और हमारे पास युवराज भी है, लेकिन हमारा शाही जेड़सील खो चुका है। ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे पारिवारिक मामले में हाथ डाल रहा है। एक महीने के अंदर यिंगटियान प्रांत के 3 अधिकारी बहुत ही बेरहमी से मारे गए हैं। हत्यारा अभी भी निशाने पर है, लेकिन वो सिर्फ छलावे के लिए रखा गया था। उन्हें असल में चाहिए थी शाही जेड सील। अब तुम लोग उस हत्यारे को मत ढूंढो, बल्कि शाही सील की खोज करो। तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं अपनी जान बचाने के लिए। जी महाराज। आइए बैठिए। पहले आप बैठिए। इतने दिनों में आपने 2 शहीद स्मारक पेश किए हैं और वो दोनों बहुत ही अलग थे, है ना? पहले आपने मुझे शोक सभा में जाने से मना किया और बाद में सेना का नेतृत्व करने के लिए कहा, और जिस सील का आपने उपयोग किया वो भी बहुत ही अलग था। सबसे पहले आपने महाराज से मिलकर ड्यूक को सम्मान दिया जो कि बहुत ही अच्छा था, और दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण इंपीरियल जेड सील था। तो अब हमें कुछ भी नहीं पता है। लगता है दाल में कुछ काला है। लगभग कितने हैं? राजकुमार यान,
तुम्हारी योजना क्या है? ऐसा तुमने क्यों किया? आपने मुझे गलत समझ लिया। मेरा मतलब है, हमें सब पकाना चाहिए और मजे करना चाहिए। लगता है तुम मजाक कर रहे हो, पर बात यह है कि मुझे जाना है। क्या आपको लगता है कि मेरे पिताजी मेरा विश्वास जांच रहे हैं? अगर तुम मेरी मानो तो महाराज ने सब पर विश्वास रखा है, पर महाराज ने उनके किसी भी लड़के को युवराज नहीं बनाया और उनके पोते को बनाया। सारे राजकुमार निश्चित रूप से असंतुष्ट हैं, इसलिए महाराज ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे। ये बात तो है, मुझे सच में विद्रोह नहीं करना है। आखिर मेरे पिता ने केवल मुझे ही क्यों चुना है? ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो बेटा। कुछ भी। क्या मैं तुम्हें पूछ सकता हूँ कि तुम जुबूले से खबर आने की राह देख रहे हो? जुबूले रॉयल गार्ड्स का कमांडर है। मुझे बेचैनी होती है जब तक वो खबर नहीं भेजता। जुबूले तो आपका गोद लिया हुआ बच्चा है। वो महाराज के साथ बहुत सालों से काम कर रहा है, एक विश्वासु आदमी है वो। क्या तुम अब भी उस पर भरोसा कर सकते हो? फैंग, तुम्हें कुछ पता है? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अभी अभी। क्या अभी अभी? हम महाराज जो को क्यों नहीं मिलते? क्योंकि वो बूढ़े और बीमार होने की वजह से काफी परेशान हैं, उन्हें आराम चाहिए। लेकिन महाराज तो बिल्कुल भी सुन नहीं सकते, और जू हमेशा उनके साथ रहता है। वो आसपास ना हो तो वो जी नहीं सकते। क्या हमें इसका पता लगाना चाहिए? ठीक है, यून वैन से पूछते हैं, हाल ही में हवेली में क्या हुआ है। सुनो, यून वैन अभी राजकुमार है और तुम अभी भी उसे उसके नाम से पुकार रहे हो, ये कितना अपमानास्पद है। हम साथ बड़े हुए हैं, ये बदलना मुश्किल है। लेकिन तुम्हें करना होगा। अगर किसी ने सुन लिया और बातें करने लगे तो ये तुम्हारे लिए मुसीबत हो सकती है, और वो अभी अभी राजकुमार बना है, हमें सावधान रहना होगा। कौन है वहां? यहाँ। तुम हमारी बातें क्यों सुन रहे थे? महामहिम, मेरा आपकी बातें सुनने का कोई इरादा नहीं था। मैं तो बस महाराज जुबू को मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया बोलना चाहता हूँ। अगर आपने उस समय मेरी मदद नहीं की होती तो मैं तो मर गया होता। ठीक है यूफेंग, चलो जरा इससे आराम से बात करें। खुद को खुशनसीब समझो, चलो उठ जाओ। आपका शुक्रिया। मुझे एक बात बताओ, हम महाराज से क्यों नहीं मिल पाए? आपको नहीं पता महामहिम? क्या नहीं पता? महाराज जो 10 दिन पहले ही मर चुके हैं। क्या महाराज जो मर गए? वे कह रहे थे उन्होंने हवेली से चीजें चुराई थी, जियांग की हवेली से। ऐसा कैसे हो सकता है? चोरी क्यों की? वो पता नहीं। बिना कोर्ट पेशी के मारे गए? मुझे इसके बारे में सब नहीं पता है, पर किसी ने जो की चीजों को कहीं पर छिपा के रख दिया है। महामहिम, मुझे चलना चाहिए। रुको। ये लो। नहीं, मैं ये नहीं ले सकता। अरे रखो भी। महाराज, मेरा नाम डुआन है, आपने मेरी जान बचाई है, मैं हमेशा याद रखूंगा। चलता हूं महाराज। लगता है हमें बेडू जाना होगा, देखते हैं वहां क्या है। Thank you.
राजकुमार। हाँ? फेंग। राजकुमार, सबके सामने मुझे ऐसे मत बुलाओ, अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो। अगर यहाँ कोई दूसरा नहीं है तो तुम मुझे युवराज नहीं बुला सकते? चलो भी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत ही मुश्किल घड़ी है और तुम अभी तक इत्मीनान से हो। मैं पीच लेटर हेड बना रहा हूँ योंगपिंग के लिए। क्या तुम योंगपिंग को लिख रहे हो? हाँ, मैंने पहले उसे एक भेजा था, उसे कुछ दिन पहले मिल गया होगा, और दूसरा लिखने की सोच रहा हूँ। अगर मेरी परेशानी वो जान गई तो जल्द ही वापस लिखेगी। ठीक है, फिर मैं अब निकलता हूँ। वैसे मुझे कुछ पूछना था, क्या आपने महाराज जहू को देखा है यहाँ किन्नर विभाग में? महाराज जहू? हाँ, महाराज जहू को तो मैंने कई दिनों से नहीं देखा, बात क्या है? वो मर गए हैं। मर गए? फेंग, लेकिन कैसे मर गए? वो मुझे भी नहीं पता, ऐसा सुना है कि उन्होंने कुछ चीजें चुराई थी और खुदकुशी कर दी। उन्होंने चोरी की? लेकिन क्या चुराया था? वो मुझे भी नहीं पता, मुझे तो लगता है कि दाल में कुछ काला है। फेंग, आखिर हुआ क्या है? आप चिंता मत करो, आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको हमेशा ये ऐसे प्यार में डूबा नहीं रहना चाहिए। याद रहे, आप एक राजकुमार हैं, बाहर बहुत मसले हैं, और मैंने सुना राजकुमार यान दक्षिण गए हैं। समझ गया फेंग। ठीक है, अगर आपको समझ गया है तो मैं निकलता हूँ। फेंग भाई, जुबू कहाँ पर है? वो आप इस बात से दूर ही रहो, वो लियू वैशाले की जांच कर रहे हैं। निश्चिंत रहो, मैं उसे कुछ होने नहीं दूंगा, मैं जा रहा हूं। आइए हमारे साथ मजे कीजिए। आओ तो। अरे आइए। हाँ हाँ, बिल्कुल आऊंगा। ये मामला बहुत जरूरी है, कुछ खास लोगों को ही पता है। वो तो मैं अच्छे से जानती हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर मुझे कोई खबर मिलती है तो उसकी कीमत बहुत होगी। पता है। तुम मेरी भावनाओं को जानते हो, पैसों के अलावा मुझे तुम भी चाहिए। मैंने तुम्हें कहा है हमेशा हम अच्छे दोस्त रहेंगे, पर मुझे ये नहीं चाहिए। ली सुनो, कुछ बात है जो मुझे तुम्हें बतानी है। काले धंधे में अच्छा बुरा सब होता है, किसी पर भरोसा मत करना, तुम्हारे दोस्तों पर भी नहीं। दुआन, महामहिम, ये सब सामान लेकर कहां जा रहे हो? मेरे पास जो कुछ भी है ये सब कुछ मुझे अपने माता पिता को देना है। मुझे पता है कि मैं जल्द ही मरने वाला हूं। ऐसा क्यों? मुझे बताओ, शायद मैं मदद कर दूं। मैंने वो देखा है जो मुझे नहीं देखना चाहिए। और वो क्या था? हत्यारे! कहीं मत जाओ, मैं बस अभी आया। महामहिम, क्या हुआ? हत्यारा हमारे दो आदमियों को मारकर भाग गया, शायद उसके साथ कोई और भी है। ठीक है, फिर संभल कर ढूंढना, युवराज और महाराज की रक्षा करना। जी, चलो। Ugh!
रुक जाओ, मिस्टर यू आ गए? हाँ, वो अभी भी आए हैं इस तरफ। हाँ, ऐसा लगता है इस वक्त उन्हें रॉयल गार्ड्स को संभालना होगा। गुरुजी, रॉयल गार्ड्स की स्थापना के बाद हमने बहुत सारे अधिकारियों को मारा है, चाहो तो गिन लो राज्य फाउंडेशन के कितने प्रतिष्ठित लोग जिंदा हैं, और ये भी गिन लो उनके कितने बच्चे जिंदा हैं। रॉयल गार्ड्स बहुत पहले से ही अधिकारियों के रडार पर बैठे हैं, और मैं अपने कमांडर पद से सुरक्षित रूप में निवृत्त हो सकता हूँ, और वो भी मेरे पूर्वजों की रक्षा के कारण। गुरुजी, पिछले युवराज तो अचानक से मर गए, और हमारे पास नया युवराज है। महाराज ने युवराज की कठिनाइयां पहले से दूर कर दी हैं। इसका मतलब है महाराज शाही सैनिक को निपटा देंगे? मुझे तो इससे ज्यादा डर है कि कहीं रॉयल गार्ड्स पलट ना जाए। तो इसीलिए आप वापस घर आया और पहाड़ों में रहने लगा। मुझे आशा है कि मेरे बूढ़ेपन को देखकर महाराज छोड़ देंगे। राजकुमार यान, क्या तुम्हें जुबूले के बारे में पता है? नहीं। राजकुमार, ये जो शाही आदेश है बहुत अजीब है। मुझे लगता है कि मैं कुछ दिन यहीं रहता हूँ, यही मेरे लिए बेहतर होगा। हमारी जो पदयात्रा है वो तो 10 दिन पहले ही आ गई है, तो खबर आने तक यहाँ रुकना बहुत बेहतर होगा। महाराज, सेनापति लेई का खत है। हाँ, दिखाओ मुझे। जी, मेरे बेटे ने कुछ तो भेजा। इंपीरियल जेट सील को चुराया गया है। यह जेट लो और जुआनु लेक के पूर्व में टूटे हुए मंदिर में टाउस्ट क्वीन को ढूंढो। संत टाउस को मंदिर में ढूंढना है? हाँ, जुआनु लेक शाही घराने की वर्जित भाग का हिस्सा है। वहाँ कुछ नहीं है, बस एक टूटा हुआ मंदिर है, वही टाइस्ट मंदिर है। टाइस्ट किन मेरा दोस्त है, इसे देखने के बाद वो तुम्हारी मदद करेगा। वो मदद कैसे करेगा? तुम्हें पता है इंपीरियल जेड सील कहाँ से आया है और इसे आखिर किसने बनाया है? क्या वो आपने बनाया है? हाँ, वो मैं हूँ जिसे ये बनाने के लिए कहा था। जेट सील जिसके नीचे स्वर्ग का खजाना लिखा हुआ था, वो सबसे अलग था। महाराज को वो बहुत पसंद था और उन्हें वंशज को देना था। उस समय सिर्फ 5 ही बनाए थे, पर हमारे पास एक ही है और बाकी नष्ट कर दिए गए। लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है, शायद हम उसे नहीं ढूंढ पाएंगे। उनमें से एक मैंने टाइस्ट किन के यहाँ रखा था। ये जुर्म मेरे परिवार को खत्म कर सकता है। गुरुजी, मुझे एक सवाल है, अगर महाराज का जेड सील चोरी नहीं हुआ है तो
अगर ऐसी बात है तो मुझे मरना होगा। महाराज बहुत बुद्धिमान है, उन्हें पता होगा कि इंपीरियल जेड सील मैं ही बना सकता हूं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। फैंग, तुम समझ नहीं रहे, जेड सील असली है या नकली कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब महाराज की सोच पर है। वैसे भी हमें जोखिम उठाना ही पड़ेगा। ले, तुम बाहर चले जाओ, मुझे फैंग से कुछ बात करनी है। जी मैं जा रहा हूं। फैंग, तुम्हें पता है तुम्हारे सीनियर और मैं और रॉयल गार्ड्स के सभी लोग मदद पाने के लिए तुम पर निर्भर हैं, तो हार मत मानना। पर ये तुम्हारा फैसला है, मैं तुम पर जबरदस्ती नहीं करूंगा। युवराज सिंहासन पर बैठ जाते हैं तब रॉयल गार्ड्स शायद पूरी तरह से बच जाएंगे। मैं ये तुम्हारे सीनियर को नहीं बोलूंगा, अगर वो अपनी जान भी गंवा दे तो भी वो तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। उम्मीद करता हूं कि अब तुम्हें फर्क समझ में आ गया होगा। समझ गई मैं, तो वो किसी किन्नर ने चुराया है। क्या तुम्हारे पास सबूत है? नहीं, वो मर गया। महाराज जोउ, मुझे नहीं पता जेड सील कहाँ है। इतने पैसे दो। 1,000? ये लो। अब बताओ। 10,000? क्या कहा? क्या तुम मजाक कर रही हो? मुझे लगता है तुम्हें ये व्यापार नहीं करना है। ठीक है, मैं तुम्हें 15,000 दूंगा। तुम अलग हो, मुझे अच्छा लगा। भाई ये काम 1,000 में हो सकता है। ठीक है, आगे बताओ। वो जरूर काले धंधे के 9 के पास होगा, पर मैंने उसे देखा नहीं है। वो अक्सर युआन के लोगों के करीब होता है। बस इतना ही? हाँ। ये काला बाजार कहाँ है? युफांग, ये बताओ कल तुम्हें हवेली में क्या मिला? मैं जल्दी सो गया था, तुम कब वापस आए? दुआन मर चुका है। वो कैसे? उसे किसी ने मार दिया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि जो हत्यारा मारने आया था वो इतने मामूली यूनक को क्यों मारेगा भला। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, शायद उसे पता चल गया, या शायद वो सारी सच्चाई जानता है। तुम्हारा मतलब कोई अंदर का? वो मुझे नहीं पता, लेकिन उसका मार्शल आर्ट बहुत बढ़िया था, मुझसे भी बेहतर। मेरी शायद कल मौत हो जाती, लेकिन उसकी नहीं, दावे के साथ कह सकता हूँ। सिर्फ मेरा और मेरे गुरुजी का कुंग फू तुमसे अच्छा है। वो गुरुजी नहीं हो सकते, गुरुजी ने तो सिखाना बंद कर दिया है, तो ऐसा कुंग फू आखिर कौन सिखाएगा उसे।
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी के लिए उस आदमी को छोड़ देते हैं। इस वक्त हमें शाही सील ढूंढनी है। मुझे तो जिंग युजाओ की बातों पर बहुत ज्यादा शक आ रहा है। जैसा गुरुजी ने कहा, ताओइस से मिलते हैं। महाराज, महाराज, युनवेन राजकुमार की शक्ति कम करेगा ऐसी अफवाह है, तो योजना क्या है? देखो, तुम एक लड़की हो, सरकारी मामलों में तुम्हारी क्यों दिलचस्पी है? मुझे सरकारी मामलों से फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। अच्छी बच्ची हो, मैं तुम्हें इस हवेली में लाना नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हें मेरे पीछे पीछे आना होगा। कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? मुझे डर नहीं है, जब तक आप मेरे साथ हो। अच्छी बच्ची हो, किसी से प्यार मत करना। ठीक है, ये लीजिए, देखिए। ओह, ये तो जू युनवेन का खत है ना? मुझे लगता है युनवेन आपसे डरता है, इसलिए उसने शक्तियां कम कर दी। इस खत में वो तुम्हें उसे देखने हवेली बुला रहा है। तो तुम क्या करोगी फिर? मैं उसे मिलने वाली हूँ, शायद मैं उसका दर्द बांट सकूं और वो शक्तियां कम ना करे। सच में? हम साथ में बड़े हुए हैं, आपने मुझे उसके साथ पढ़ने भेजा था, तो शायद वो मेरी बात सुन ले। महाराज, कृपया मुझे जाने दो। मुझे इसके बारे में सोचने दो, मुझे आपका बोझ हल्का करना है। तो आखिर उसके बारे में तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि काम हो जाएगा, उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो पता है। ये तो सबको पता है कि राजकुमार नेक दिल और कमजोर हैं। वो हमेशा राजकुमारों की शक्ति कम करना चाहते हैं, बल्कि मुझे तो लगता है कि वो लोग तुमसे डरते हैं। उन्हें हल्का महसूस करने के लिए हमें उन्हें थोड़ी दवाइयां देनी होगी। युवराज योंगपिंग पर बहुत प्यार करते हैं, तो अब हमें कुछ भी नहीं पता है। उसे जोखिम उठाने देकर देखते हैं वो क्या सोचता है। महल में तो वो दिखा सकती है कि राजकुमार यान तो विद्रोह करना ही नहीं चाहते। ठीक है, फिर यही करते हैं। महाराज, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? महाराज जो कहाँ है? निकम्मे कहीं के। महाराज जो, वो तो मर चुके हैं। मर गए? कैसे मर गए? आपने ही उन्हें मारा है। मैंने? रुकिए जनाब, आज हम पूरे मंदिर की सफाई कर रहे हैं, प्रवेश निषिद्ध है। हम यहाँ प्रार्थना करने नहीं आए हैं, हम गुरुजी से मिलने आए हैं। आप मजाक कर रहे हैं,
ये छोटा सा बौद्ध मंदिर है, ताओइस्ट मंदिर नहीं। देखिए मैं सब कुछ जानता हूँ, हमें गुरुजी से मिलना है और बेशक हमें सारे राज पता है। रुको, हो गया नाटक करके। रुको, मैंने सुना है ताओइस्ट कुंग फू के मूव बहुत ही अच्छे होते हैं और काफी तेज भी, पर मैंने अभी तक कोशिश नहीं की। समझ गया मेरे भाई, तो फिर आज देख ही लेते हैं कैसे हैं इनके मूव्स। रुक जाओ, गुरुजी। तो बताओ तुम्हें यहाँ क्या लाया, खुलकर बताओ। मेरे साथ आओ इसी वक्त। कोई है? कोई है? कोई है? जी महाराज। जाओ और मेरे पोते को यहां लेकर आओ, जाओ युवराज को यहां लेकर आओ। जी। कृपया हमारी मदद कीजिए। तुम्हारे गुरुजी तो बहुत होशियार हैं, उन्होंने इतनी कमजोर योजना कैसे रची? बराबर है, वो जो शाही जेड़सिल जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो मेरे पास है, और अगर तुमने वो ले लिया तो उससे तुम्हारा नाश हो जाएगा, याद रखना। हमें थोड़ी जानकारी दीजिए। चाहे जो कुछ भी हो जाए, शाही जेड़सिल ये सिर्फ एक वस्तु है और कुछ नहीं। सम्राट होंग वू मिंग के संस्थापक ने पूरी दुनिया में खोजा, पर उन्हें जेड़सिल कहीं नहीं मिला। पर मिंग के पास आज भी नए सम्राट हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि महाराज को ही इसका असली अर्थ पता है, इसीलिए तो उन्होंने तुम दोनों को शाही जेड़सिल ढूंढने के लिए भेजा। देखो, चाहे वो जेड़सिल खोया हो या ना हो, तुम्हें उसके अंत तक जाना होगा। ऐसा करने से ही तुम्हें सच्चाई का पता लगने वाला है। फिलहाल तो तुम ये जेड़सिल रख सकते हो। हमें बचाने के लिए आपका धन्यवाद। आपकी ये तारीफ सुनकर मुझे खुशी हुई। ये ले लो शाही जेड़सिल, अगर कभी जिंदगी में मुसीबत होना तो मुझे ढूंढ लेना, मैं वहां आकर तुम्हारी मदद कर दूंगा। दादाजी। हाँ मेरे बेटे, मुझे चलने में मदद करो। आइए चलते हैं, संभल कर। तुम्हें शायद हंसी आएगी, लेकिन मैं जब से सिंहासन पर बैठा हूं ना, मैं हर दिन उन शहीद स्मारकों को देख रहा हूं, लेकिन मैं अब थक चुका हूं और नहीं संभाल सकता। दादाजी अब आपको आराम करना चाहिए, यहाँ का काम फैंग को देखने दो। ठीक है, मैं दो दिन आराम कर लेता हूँ। चलो बातें करते हैं चलकर। हाँ जरूर। ताओइस्ट की बातें काफी पेचीदा हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन जो कुछ भी हुआ, अब हमारे पास जेड़सिल तो है, कुछ तो हाथ लगा। डर है कि महाराज को पता चल जाएगा ये नकली है, क्योंकि वो रोज इसे छूते हैं, इसे महसूस करते हैं। अगर ये जेड़सिल नकली है तो फिर असली वाला कहां पर है? मुझे लगता है जो कीन ने कहा वो सही है। मुझे लगता है जेड़सिल राजा बनने का एक चिन्ह है, फर्क नहीं पड़ता वो असली है या नकली।
हम काले बाजार में जा रहे हैं ना? हाँ, हमें जाना चाहिए। हमारे पास अभी भी वक्त है। और तो और, जब से हमें वो खबर मिली है, हमें जाकर पता लगाना चाहिए। अगर जेड सील बिका है तो ये गलत है। काले बाजार के लिए, इस काम के लिए हम उन्हें दोषी ठहरा सकते हैं। सुनो बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था, मैंने कभी भी ढंग से खाना नहीं खाया। लेकिन क्यों? देखा तुमने, तुम बहुत ही भावुक हो और कमजोर दिल के भी। एक सम्राट होने के नाते तुम बहुत ज्यादा स्नेहशील नहीं हो सकते। तो दादाजी, आप चाचा को अंतविधि पर इसलिए नहीं आने दे रहे क्योंकि? देखो, मैं बूढ़ा हो गया हूं और मैं चिंतित भी हूं। जब मैंने तुम्हारे पिता को युवराज बनाया था, मैंने तब पहले ही उन्हें चोट पहुंचाई थी। सच कहूं तो किसी को भी सम्राट बनाना नहीं होता है, मगर कौन पूरे दिल से उसके भाई को दुनिया संभालने में मदद करेगा, क्या तुम मुझे बता सकते हो? अगर मैं सिंहासन पर बैठ गया तो मेरे चाचा नहीं मानेंगे। तुम राजकुमारों की शक्ति कम कर दोगे। दादाजी, क्या मैंने कोई गलत कदम उठाया है? मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी इतने कठोर बन जाओगे। कहीं ये सब तुम्हारे पिता की मौत की वजह से तो नहीं? हाँ, तुम्हें खुद का निर्णय खुद ही लेना होगा। तुम्हें ये आज नहीं तो कल करना ही होगा। मुझसे जितना हो सकता था मैंने तुम्हें उतनी मुसीबतों से बचाया है, समझ रहे हो ना? मगर मैं अपने बेटों को नहीं मार सकता। दादाजी, तुम शाही खानदान में पैदा हुए हो, तुमने बहुत कुछ देखा है। दादाजी, मैं समझ गया। मुझे पता है कि तुमने वो शाही जेड सी ली है। दादाजी, मैंने घोर अपराध किया है, कृपया मुझे सजा दो। वो यहीं होना चाहिए। चलो चलकर देख लेते हैं। जिंग योजियाओं ने जो कहा था वो सही है। काला बाजार लियू की तरह ही है, ये जुए की तरह दिखता है, पर तुम आसानी से आ जा सकते हो। नाइन को मिलना आसान नहीं है, वो बाहरी लोगों को नहीं मिलते जब तक कुछ बड़ा हादसा ना हो या कोई बड़ी बात। कैसी बड़ी बात? युआन के साथ सौदा। कैसे सौदे किया उसने युआन के साथ? जानते हो सबसे अच्छी चीज क्या है? फायर स्पीयर। तुम चालाक हो। क्या कोई और सौदा होने वाला है? आज एक है, युआन के लोगों के साथ। सौदा सीधा है, दाम पक्का हो गया है, पहले कुछ पैसे देने होंगे। मुझे लगता है तुम उन्हें रोक सकते हो और वो होने का नाटक करो। क्या वो अभी तक मिस्टर नाइन को नहीं मिले? नहीं। क्या बिड़ो की शक्ति पर भरोसा नहीं करते? सुनो, उन लोगों को वहां पर देखो, उनके कपड़े और तलवार हैन के हैं, ये वही हो सकते हैं। चलो चलते हैं। तुमने शाही जेड सील चुराई और समझने से पहले ही एक आदमी की हत्या कर दी। आदमी की हत्या कर दी? महाराज जो तुम्हारी वजह से मारे गए हैं। दादाजी,
10 दिन पहले महाराज को समझ आ गया कि राजकुमार दक्षिण जाएंगे। उन्होंने मुझे ये बताया कि उन्हें शक था तुमने सील को चुराया है और शाही आदेश बनाया है। वो सच में भोले और ईमानदार हैं। शाही सील चुराना देशद्रोह है, लेकिन मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूं? दादाजी, मुझे पता है कि आप महाराज जोर के बिना नहीं रह सकते, फिर भी आपने उन्हें मारा। अगर मैं उसे नहीं मारता तो लोगों को समझ आ जाता कि राजकुमार ने शाही सील चुरा कर शाही आदेश बनाया है, तो इसलिए कायदे से तुम्हें मारना चाहिए था। दादाजी, मुझसे गलती हो गई। आप जो चाहे वो सजा मुझे दे दें। जब तुमने शाही जेड सील ली, एक बार भी सोचा था कि उसकी वजह से कितने लोग मरेंगे? दादाजी, अब समझ गया मैं। मैं राजकुमारों की शक्तियां कम करूंगा। उठ जाओ। मैं बूढ़ा हो गया हूं, ग्रेट विंग अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि तुम्हारे चाचा भरोसेमंद थे। क्यों तुम्हें उनके खिलाफ जाना पड़ा? पर क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी जान क्यों बचाई है? किस लिए? तुम सम्राट बनने वाले हो, तुम्हें कठोर होना चाहिए। और मैं तुम्हारे चाचा की भी परीक्षा लूंगा। पर दादाजी, आपने फेंग और क्यूबलेई को शाही जेड सील ढूंढने को कहा है। शाही सैनिक अब और भी शक्तिशाली हो गए। मुझे अफसोस है तुम उन पर काबू नहीं कर सकते। तो फिर अगर उन्हें शाही जेड सील नहीं मिला तो वो मरेंगे। हाँ, संभल के। हाँ, अपना ख्याल रखिए। हाँ, और जीतिए। चलो कृपया अंदर आइए। आराम हो। हाँ, फेंको आराम से। अरे देखो, मजे करो। मैंने अब फेंक लिया, ठीक है, अब तुम फेंको। हाँ, तुम्हारी बारी है। काले बाजार में आने के बाद जल्द से जल्द स्टीवर्ड को ढूंढो। वहाँ कुछ गड़बड़ होगी। ज्यादातर स्टीवर्ड्स कठपुतली या ढाल होगी, पर तुम्हें असली स्टीवर्ड को ढूंढना है। सुनो सभी लोग, खाना पीना कब मजा लो, आओ। सुनो, मुझे लगता है वो मोटा आदमी ही हो सकता है। चलो चलकर उससे बात कर लेते हैं। लेकिन कैसे? कोशिश करते हैं। सुनो। हाँ बताइए जी, क्या मैं आऊं? तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, बस मेरे लिए सट्टा लगाओ। ठीक है, ये लो। अरे कोई तो मारे इसे, ये यहाँ झगड़ा करने आया है। रुक जाओ। बहुत ही अच्छा कुंगफू है ये। मोटी बुद्धि तुम्हारा सिक्का तक नहीं पकड़ पाया। हाँ? जाकर मिस्टर नाइन को बुलाओ। अरे सब ठीक है, आप लोग खेलिए, मजे कीजिए। चलो चलो खेलते हैं। अरे मैं ही जीतूंगा। अरे खेलो भी।
देखो मेरी बारी थी। अरे आप लोग अंदर आइए श्रीमान। अरे सही से बैठो ना। यारो राधा आओ ना, शांत हो जाओ। दादाजी आप शाही सैनिकों को हटा सकते हो, वो भी बिना उन्हें मारे। मेरे नादान बच्चे, शाही सैनिकों को बिना मरे कैसे हटा सकता हूं? अगर अब उन्हें नहीं मारा तो मुसीबत हो सकती है। मुझे पता है तुम भ्रम में हो, इसलिए मैंने लोगों को भेजा है। हटो, रास्ते से हटो, हट जाओ। आखिर कौन हो तुम लोग? हम कारोबार करने आए हैं, मुझे फायर स्पेयर चाहिए। नाटक, पकड़ो इन्हें। अच्छा कुंफू है मिस्टर नाइन। सच सच बताओ, तुम यहाँ पर कारोबार तो नहीं करने आए हो, क्योंकि कोई भी व्यापारी युद्ध नहीं करता। तुम दोनों ने मेरे आदमियों को बहुत मारा, फिर हम कैसे व्यापार करेंगे? देखिए, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, जो भी आपका नुकसान हुआ है हम उसकी भरपाई करेंगे। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, ये सभी आपके लोग थे जिन्होंने ये जंग शुरू की। और मिस्टर नाइन, मुझे लगता है आपको पैसे बहुत पसंद है ना? नाइन, मुझे ये लंबा आदमी पसंद आया, मैं इससे लड़ूंगी। मजाक मत करो। देखो, मजा नहीं आया। नाइन देखो ये क्या है। तुम हवेली से हो क्या? लौट गए। नाइन नाइन नाइन, बहुत सारे अधिकारियों ने हमें घेर लिया है और काफी सैनिक भी हैं। क्या तुमने बुलाया? बताओ मुझे कि तुम्हें क्या चाहिए। शाही जेड सील। ये बहुत राज की बात है, तो फिर तुम्हें कैसे पता? मिस्टर नाइन, तुम्हें पता है कि हम कौन हैं, तो तुम हमारे खिलाफ नहीं जाओगे। ठीक है, मेरे साथ आओ। देखिए, हमें बताइए कि आपको जेड सील कहां पर मिला? देखिए, मेरी बात सुनो, हमारे कायदे कानून हैं, अगर मैंने तुम्हें बताया तो मैं मर जाऊंगा। बताने की जरूरत नहीं, पर हमें पता है ये महाराज जऊ से है ना?
ठीक है मिस्टर नाइन, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको एक बात पता नहीं, महाराज जो की मौत हो गई है। क्या कहा? इसका मतलब ये बात तुम्हें परेशान करेगी, सही कहा ना? कैसे पता? जब तुम लोग यहीं पर हो तो तुम मुझे अच्छी कीमत दोगे। नाइन! क्या? तुम जा सकते हो। जी मिस्टर नाइन, हम काफी साफ दिल इंसान हैं, इसीलिए सौदा कीजिए। माफ कीजिएगा पर मिस्टर जुबुले कौन है? मिस्टर नाइन, क्या आप बीड़ू के लोगों को जानते हैं? मैं जानना चाहता था पर मौका नहीं मिला। मैं हूं जुबुले, प्रस्ताव करो मिस्टर नाइन। माफ कीजिए मिस्टर जुबू, मेरे ग्राहक ने कहा तुम शाही जेट सील मुफ्त में ले सकते हो। क्या मतलब है आपका? ये मुफ्त में है लेकिन तुम्हें एक चीज यहाँ पर छोड़नी होगी। क्या कहा आपने? अपने कुंफू को छोड़ दो और तुम ये सील ले सकते हो। माफ कीजिए हमें। आए, ये लोग इतने शांत क्यों हैं? सब्र रखो, ये शांत हैं मतलब वो आएंगे। देखो जरा, मिस्टर नाइन, बेहतर होगा कि आप वादा निभाओ। मेरा भाई बहुत शक्तिशाली है। भाई तुम अब क्या कर रहे हो? भाई मैं बहुत पहले ही कुंफू छोड़ने वाला था, ये तलवार मेरे लिए बहुत खतरनाक है। भैया वहां देखो, क्या चल रहा है ये? देखो मुझे दोष मत दो, मैं तो सिर्फ एक प्यादा हूं। मैं इसके तह तक जाऊंगा। रुक जाओ, इसे कहां ले जा रहे हो? तुम यहां से हट जाओ। अपने दोस्त के साथ ऐसा कर रहे हटो। हो? यूफिंग, यूफिंग, रुक जाओ, रुक जाओ। क्या तुम मुझे मदद करने दोगे? रुको, रुक जाओ, रुको। फेंग, हमें माफ कर दो। बढ़िया, अगर तुम लोग अभी भी मुझे दोस्त मानते हो तो जल्दी बताओ कि किसने भेजा तुम लोगों को। महाराज ने। चुप रहो, चलो। Thank you, Joe. मुझे माफ करना, मुझे देर हो गई, चलो इन्हें बाहर ले जाओ। तुम यहां से बिल्कुल मत हिलना, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लड़ा था।
मैंने इसकी चोटों पर दवाइयां लगा दी है, तुम्हें अपनी ताकत नहीं लगानी चाहिए। युफेंग, तुम्हें हमारी जान बचाने के लिए शुक्रिया। मेरे भाई की हालत? वो तो बिल्कुल ठीक है, वो बस थोड़ा थका हुआ है और मुझे तो ये लगता है कि वो काफी दिनों से सोया नहीं है। बेहतर है कि वो ठीक है। वैसे मिस जिंग की लाश कहां पर है? वो लाश तो दफना दी है। काफी समय बाद मैंने उसे हंसता देखा है। यहाँ सब चीज को कारण होता है और सब चीजें क्षणिक और झूठी होती है। क्या ये वही हीरा मंडी बाजार है? वो बिल्कुल मायने नहीं रखता। मेरे लिए आसान है, मैं पकड़ लूंगी। चलते हैं। पकड़ो, पकड़ो, हमें पकड़ो, पकड़ के दिखा। लिया। हाँ, चलो। हाँ, हाँ, साथ में चलते हैं। साथ में जाएंगे। योंगपिंग, योंगपिंग। ये लो। ये कितना खूबसूरत है। भैया वहां पर देखो क्या चल रहा है ये सब। देखो मुझे दोष मत दो, मैं तो सिर्फ एक प्यादा हूं। युफेंग मिस्टर नाइन को जानता है। मिस्टर क्विन। जुबले, तुम उठ गए? हाँ कहिए मिस्टर क्विन, युफेंग कहाँ है? अगर ये उसके लिए नहीं है और मिस जिंग शायद तुम मेरे आने से पहले जिंदा नहीं रह पाते। मिस जिंग, उन्हें क्या हुआ है बताइए। तो शाही सैनिक तुम्हें मारने वाले हैं। युफेंग अभी भी जिंदा है लेकिन वो बहुत बुरी तरह जख्मी है। मिस जिंग को क्या? वो मर गई तुम्हें बचाते बचाते। जो बोले सबका अपना अपना नसीब होता है, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं। मैंने उसे शर्मिंदा किया। ताउस्ट क्वीन, जब मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं आपसे शुक्रिया कहने आऊंगा। इजाजत दीजिए। रुक जाओ जुबले, हमारा मिलना लिखा था, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ कहिए मिस्टर क्विन। चलो 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 चलो। महाराज वो भाग गए। भाग गए? हाँ, पर कमांडर फेंग बहुत जख्मी थे। क्या फेंग जख्मी था? ये कैसे हुआ? अब वो कहां पर है?
हम लोग अभी ढूंढ रहे हैं, पर ऐसा लगता है कि उन्हें ट्विस्ट संत ने ही भगाया है। अभी पूरी जानकारी नहीं मिली है। तुम जा सकते हो। जी सुनिए महाराज, राजकुमारी योंगपिंग आई है। योंगपिंग आई है? कहाँ है? अंदर ले आओ उन्हें। जी योंगपिंग, तुम आ गई। महाराज को मेरा प्रणाम। अरे योंगपिंग, ये क्या कर रही हो? उठ जाओ, यहाँ और कोई नहीं है। सुनो, तुम्हें मेरा पत्र मिला था? हाँ मिला। तो तुमने वापस क्यों नहीं लिखा? आपके शब्द नोकीले चाकू जैसे हैं। मैं नहीं जानती कैसे जवाब दूँ। मेरे शब्द चाकू की तरह हैं? आपका खत तो बहुत ही सुंदर था, लेकिन उसके लफ्ज जानलेवा है, उन्हें तुम सुगंध के साथ छुपा नहीं सकते। योंगपिंग, तुम्हें मेरे जज्बात पता होने चाहिए। महाराज, अब आप पहले जैसे युनवेन नहीं रहे। योंगपिंग, तुम मुझे यहां पर डांटने आई हो? बिल्कुल नहीं महाराज, मैं माफी मांगने आई हूं। जुबले, तुमने इतने साल तुम्हारे खिलाफ बहुत सारी चीजें की है और मैं वो सब जानता हूं। मिस्टर क्विन, आप ये सब कैसे जानते हैं? क्या आपके बहुत सारे जासूस हैं? हाँ, तुम्हें मुझे ये कभी नहीं पूछना चाहिए। जी, पर इस बात का खुलासा कर ही दीजिए। देखो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम अपने जीने का तरीका जरा बदल दो। मुझे पता है तुम्हें मारना वगैरह पसंद नहीं है। तुम ऐसी जिंदगी से पहले से ही परेशान हो चुके हो। दोबारा मिलने का मौका जरूर आएगा। इजाजत दीजिए। युनवेन, हम साथ में पले बड़े हैं, क्या तुम्हें भरोसा नहीं? क्या तुम्हें राजकुमारों की शक्ति कम करनी है? हाँ बिल्कुल। मगर क्यों? क्योंकि कोई भी चाचा मेरी सुन नहीं रहे। अगर शक्ति कम कर दी तो वो मान जाएंगे। उन्हें मानना होगा, अगर नहीं माने तो क्या करोगे? मार डालोगे उन्हें? योंगपिंग, हम इसके बारे में क्यों झगड़ा कर रहे हैं? तुम इसकी चिंता क्यों कर रही हो? तुम्हें महाराज की शक्तियां कम करनी है ना? तुम मेरे महाराज को मारने वाले हो ना? और मुझे भी? नहीं योंगपिंग, तुम तो मुझे जानती हो, मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा। और महाराज का क्या? और मेरे जज्बात बदल सकते हैं। योंगपिंग, तुम्हारे लिए मेरा मन नहीं बदल सकता। अगर मैं सिंहासन पर बैठूंगा तो मैं तुमसे शादी करूंगा। हाँ योंगपिंग, तुमसे। और कुछ मत कहो, मुझे एक बात बताओ। महाराज और शक्तियों के बारे में बिल्कुल भी बात मत करो। क्या तुम मुझे चाहती हो? बोलो योंगपिंग, बताओ मुझे। मैं ठीक है, मैं समझ गया। कोई है? जी राजकुमार। राजकुमारी योंगपिंग को ठंडी जगह पर लेकर जाओ। हाँ। जल्दी करो, वो मेरे इजाजत के बगैर बाहर नहीं जा सकती। जी मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे छोड़ दो। युनवेन,
करो। वो ये क्यों कर रही है? अच्छी खुशबू है ना? सही कहा। तुम्हें चोट लगी है, तुम ठीक तो हो? तुमने भाई को कुंफू छोड़ने के लिए क्यों कहा? मैंने तुम्हें मारने के लिए लोग नहीं भेजे थे। मुझे पता है, मुझे यह बताओ भाई को कुंफू छोड़ने क्यों कहा? तुमने मुझे वादा किया था तुम मेरे भाई को कुछ नहीं होने दोगे। मुझे बस उनको कुंफू में हराना था, मैं उसे मारना नहीं चाह रहा था फैंग। तुम्हें पता है वो जूडी का आदमी है, इस दुनिया में उसके जैसा कुंफू में कोई माहिर नहीं है। अगर युद्ध शुरू हो गया और उसने सैनिक बढ़ा लिए तो फिर हम उसे युद्ध में कभी नहीं हरा सकते। ज़ू यिनफेन, तुम भला इतने क्रूर क्यों हो? तुम अपने दोस्तों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरी बात सुनो फेंग, जब तक लेई के पास कुंफू नहीं है ज़ूडी उसे जाने देगा, उसे अब लड़ने की जरूरत नहीं और उसे उन चीजों को करने के लिए दयालुता चुकाने का बोझ भी नहीं उठाना पड़ता है जिससे वो नफरत करता है। फ्रैंक, मैं उसके भले के लिए कर रहा हूं। फ्रैंक, फ्रैंक क्या वो मर गया? बताओ मुझे। भाई को मेरे लिए अपना कुंफू छोड़ना पड़ा ताकि हम जेड सील पा सके, लेकिन मैंने उसे हरा दिया। वो अब कैसा है? वो अब तक कोमा में है, अगर वो जाग गया तो वो यहां जरूर आएगा। क्या उसे पता है हमने जो किया? मुझे नहीं लगता, लेकिन वो हमें चोट नहीं पहुंचाएगा। अगर जंग में हम एक दूसरे के साथ भिड़ भी गए तो भी वो हमें चोट नहीं पहुंचाएगा। फेंग, मैं केवल तुम पर भरोसा करता हूं। अब तक 3 दिन भी नहीं हुए हैं और महाराज ने हमारे पीछे लोग लगा दिए। दादाजी, वो बूढ़े और भ्रमित हैं, शायद उनसे गलती हो गई होगी। देखो, मुझे दोष मत दो, मैं तो सिर्फ एक प्यादा हूं। मेरे सबसे भरोसेमंद दोस्त ने झूठ क्यों बोला? आखिर क्यों? मारो, मुझे किसी को नहीं मारना, मुझे किसी को नहीं मारना। Thank you.
महाराज, फेंग वापस आ गया है। क्यों बुलाई, कहाँ है? महाराज मुझे नहीं पता। अपने सभी आदमियों को तैयार करो, यो फेंग को मेरे पास लेकर आओ। जब ये सब खत्म होगा तो तुम होगे यहाँ के मुख्य सैनिक। धन्यवाद महाराज, आप 100 साल तक जियो महाराज, 100 साल तक। अब तक योंगपिंग हवेली पहुंच गई होगी। मुझे तो पता नहीं कि अब क्या हो रहा होगा। राजकुमार यान, चिंता मत कीजिए आप। अगर जेड सील सच में चोरी हुआ है तो शाही आदेश आपको मदद करने के लिए कहेगा, और वो नकली हो सकता है। हमें अभी रुक कर देखना होगा। जुबुलई के साथ क्या हो रहा है ये मुझे नहीं पता। उसे मैं ढूंढ भी नहीं पाया। अगर वो आसपास नहीं है, मैं योंगपिंग की सुरक्षा की चिंता करता हूं कि कहीं कुछ हो ना जाए। राजकुमारी यान, चिंता मत कीजिए। ज्यादा से ज्यादा तो राजकुमारी योंगपिंग को नजर कैद में रखेंगे। उसकी जान को खतरा नहीं होगा, बल्कि महल में हमारे आदमी है। जल्दी आपको खबर मिल जाएगी। महारानी, ये युवराज ने आपके लिए भेजा है। हाँ जी। महारानी, मैं राजकुमार यन के साथ हूँ। कृपया खबर भेजिए कि मैं नजर कैद में हूँ। मेरे महाराज को कहो कि मेरी फिक्र ना करे और तैयार रहे। जी महारानी। क्या योंगपिंग यहाँ पर है? उसने कहा कि राजकुमार की शक्ति कम ना करो। कहाँ है वो? ठंडी कक्षा में। क्या कहा? फेंग, मैंने उसके बारे में नहीं सोचा है, पर तुम चिंता मत करो, मैं उसे ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। हमें राजकुमार की ताकत छीननी होगी। लगता है जूरी आने वाले हैं। 10,000 की सेना है उन लोगों के साथ। महाराज कुछ ना कुछ तो करेंगे। शाही कानून। महाराज ने कहा है कि शाही सैनिक का डिप्यूटी कमांडर यू फेंग आपके लिए आदेश है। जी बताइए। शाही सैनिक का डिप्यूटी कमांडर यू फेंग को महाराज ने मिलने बुलाया है, वो भी जल्द से जल्द। जी मैं स्वीकार करता हूँ। तो अब मैं चलता हूं। दादाजी को कैसे पता कि आप यहां पर हो? शाही सैनिकों का सेनापति आपके सामने नतमस्तक होता है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। युफांग, तुम बहुत अच्छे हो। महाराज, हमें जेड सील मिल गया है। अच्छा है। तुम्हें क्या इनाम चाहिए? मुझे कोई भी इनाम नहीं चाहिए महाराज, क्योंकि हमने हमारा काम ढंग से नहीं किया है। तुम्हें इनाम नहीं चाहिए तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? मेरी हिम्मत नहीं। तुम्हारी हिम्मत नहीं
तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे? जुबुलई मर गया कि नहीं? नहीं, वो काफी जख्मी हुए थे इसीलिए नहीं मारा। मैंने उसे तुम्हें मारने के लिए कहा था मगर उसने तुम्हें नहीं मारा। युफांग, ये खतरनाक और बहुत अच्छी चाल थी। तुम्हें पता है यून वॉन डरफोक है, तो तुमने उससे मीठी मीठी बातें करके उसे राजकुमार की शक्ति कम करने के लिए बोला। शाही जेड सील चुराने और ज्यूडी को यहां लाने के लिए बोला। तुमने मुझे लोगों को मारने के लिए कहा। तुमने मुझे मेरे सगे बेटे को मारने के लिए कहा। जैसे तुम्हें पता है अगर मैंने ये नहीं किया तो यूनवेन ये आज नहीं तो कल कर लेगी, जबकि इसका बीज पहले ही बोया जा चुका था। तुम मेरे पारिवारिक मामलों में आ रहे हो, तुम भी लालची और बहुत क्रूर हो। तुम जुबिलई को हमेशा से कम समझते आए हो क्योंकि तुम्हें उसके खिलाफ लड़ना है। अगर ज्यूडी जीत गई तो जुबिलई तुम्हें बचा लेगा, मगर ये मत सोचना कि यून वेन को मैं जुबिलई का कुंफू हटाने के लिए बोल दूंगा। जुबिलई ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मुझे उसे जिंदा रखना है, पर मैं उसे उस ज्यूडी का आदमी नहीं बना सकता। ज्यूडी ने उसे बचाया है, वो उसका वफादार रहेगा। तो मुझे उसका कुंफू मिटाना है, ऐसे ही तुम्हारी वापसी का रास्ता बंद होगा। तुम बहुत चालाक हो लेकिन मुझे सब पता है। तुम्हें ये उम्मीद नहीं थी, महाराज ने यूनवान को शाही सील चुराते देखा। तुम्हें यह भी नहीं पता था मैं तुम तक पहुंच ही जाता सुरागों के जरिए और तुम्हें पकड़ लेता। पर आज मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। पकड़ो इसे। जी। महाराज तुम यहां क्या कर रहे हो? ल्याओ ल्याओ युंगजुंग, ज्यूडा हुवियुंग, लैंड यू, तुम सब यहाँ क्यों हो? क्यों आए हो यहाँ? मुझे लेने आए हो ना, है ना? आ जाओ, तुम सब यहाँ हो कितना अच्छा है। महाराज 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 क्या हुआ? महाराज 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 वैद्य को बुलाओ। जी महाराज। युफेंग, भाई चलो चलते हैं। मैंने ये सारी योजना रची थी क्योंकि मुझे जू धी के सारे इरादे जानने थे, ताकि जू यूएन जैंग उसकी जान ले ले। लेकिन जैसा चाहिए था वैसे हुआ नहीं। जू धी ने तुम्हारी जान बचाई, अगर तुमने मेरी जान नहीं ली तो हमें एक दूसरे को लड़ना होगा जंग के मैदान पर। क्या ये तुम्हें मंजूर है? मैं किसी को नहीं मारना चाहता। अगर जूदी ने तुम्हें ऐसा करने को कहा तो क्या तुम उसे मना कर दोगे? भाई मुझे मजबूर मत करो।
ये सब कैसे हो सकता है? अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। राजकुमार यन, हमारे पास ज्यादा सैनिक नहीं है, हमें उन्हें वापस बुलाना चाहिए। और सबसे पहले तो हमें अनाज लेना चाहिए। उतावलेपन से काम मत करो। जू युनवेन अभी भी सिंहासन पर है, वो अब कमजोर है, फिर भी उसे नीचे ढकेलना इतना आसान नहीं। यिंगटियान में जाना बहुत आसान है, पर उसे रखे कैसे? हमारे लिए राजकुमारी सैन्य भेजेगी, लेकिन इंसाफ के नाम पर। जीतने का कोई रास्ता नहीं, और मुझे ये लगता है कि शहर में सैन्य होगा, इसलिए बीपिंग चलते हैं। मेरी बात सुनो और उन्हें वापस बुलाओ। इस बात पर जरा सोचो तुम। जियानवेन के पहले वर्ष में जूडी ने विद्रोह किया और दक्षिण की ओर सैनिकों का नेतृत्व किया, जिसे जिंगमैन कैंपेन कहा जाता है। जनवेन के चौथे वर्ष में उसने इंगटियान पर कब्जा किया था। युद्ध लगभग 4 साल तक चला। महाराज जियानवेन युद्ध के बीच में गायब हो गए। कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने हवेली में खुद को जला लिया। उसी वर्ष में योंगल सम्राट के रूप में जूडी सिंहासन पर बैठा।